हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आपके एग्जाम्स या पढ़ाई लिखाई जो भी है अच्छी चल रही होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन टाइप का होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको शॉर्ट में हम लोग फॉरेक्स मार्केट भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से यहाँ पे टाइप्स और फंक्शंस लिख के रखे हुए हैं, जो कि मैं आपको साथ में इसके समझाऊंगा। तो जो आज के कंटेंट्स हैं वो है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, और फिर उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस, और उसके बाद भूलिएगा मत, मैं आपको उसके बाद अपने लैपटॉप स्क्रीन पर भी लेके जाऊंगा, और उसमें आपको बताऊंगा कौन से उनसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है या वहां पे डेटा जो आपको कंटेंट जो आपके असाइनमेंट से या आपको थ्योरी के लिए चाहिए। यहाँ पे चलिए पहले जल्दी से हम लोग अपना टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी में आपको लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जिससे कि आप भी अपना एग्जाम्स अच्छे से दे देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप कोई प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स मार्केट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे फॉरेक्स। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो वहां पे खाली पैसे एक्सचेंज होते हैं और कुछ नहीं, बाइंग एंड सेलिंग चलता है वहां पे खाली, जो कि आप देखते हैं आप किसी दुकान पे गए वहां पे आप एक्सचेंज करा लिए। तो ऐसा नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसा नाम कह रहा है मार्केट तो कोई मार्केट ही है कि नहीं, कनॉट प्लेस टाइप का वहां पे मेला लगा हुआ है, वहां पे जाके हम लोग अपना नोट एक्सचेंज करते हैं, वो एक ही जगह है पूरे देश भर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक मार्केट नहीं है एक्चुअली, कि आप यहाँ पे घुसेंगे कनॉट प्लेस टाइप का वहां पे आप जाके ट्रेड करेंगे, देंगे बेचेंगे खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम एंड नॉट अ मार्केट लाइक एनी अदर मार्केट। ये एक सिस्टम है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी चलता है। तो ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आइए टाइप्स जान लेते हैं जल्दी से। तो दो टाइप्स है इसके, पहला स्पॉट मार्केट और दूसरा फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट दोनों अलग अलग मार्केट है जहां पे अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। स्पॉट मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे केवल ट्रांजैक्शंस अभी के होते हैं एकदम करंट के, और रिसीव्स एंड पेमेंट्स बहुत इमीडिएटली होता है। ये आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा, मैं डेफिनेशन का लाइन बोल रहा हूँ। स्पॉट मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट इन विच रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर मेड वेरी इमीडिएटली। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे जो करंट ये जो रेट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, वो करंट होता है। इसे स्पॉट ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, स्पॉट करंट रेट और करंट रेट एक्चुअली करंट एक्सचेंज रेट, ये इस नाम से भी जाना जाता है इसका एक्सचेंज रेट। तो ये हो जाता है आपका स्पॉट मार्केट जहां पे फटाफट ट्रांजेक्शन होते हैं और हाथों हाथ होते हैं, सेम रेट पे होते हैं, ना कल ना परसों, एक ही दिन में होते हैं, मैक्सिमम 2 डेज लगता है। सो आप इसको T+2 डेज मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना दिन ये लगा सकता है। दूसरा जानते हैं हम लोग फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट एक्चुअली एक मार्केट है जहां पे लोग अपना पैसा बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और से हेज करते हैं। हेज जैसा मतलब कहता है, हेजिंग रेफर्स टू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम रिस्क और लॉसेस। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जहां से आपको रिस्क कवर हो सके या फिर आपको लॉसेज ना हो। तो फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा ही मार्केट है। फॉरवर्ड मार्केट क्या कहता है, तो फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे ट्रांजेक्शन होते हैं फ्यूचर डेट में, अभी से स्पेसिफाई कर दिया कि 2 महीने बाद को ट्रांजैक्शन होने हैं। किस रेट में होने हैं, तो अभी जो रेट चल रहा है, आपने अभी से ट्रांजैक्शन कर लिया कि मैं आपसे 5 साल बाद US डॉलर्स खरीदूंगा आज के रेट में, तो ये एक ट्रांजैक्शन है मेरे और किसी और के बीच में, और ये फॉरवर्ड मार्केट में होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो एक बार दोबारा समझ लें, स्पॉट मार्केट हो गया ट्रांजैक्शन जहां पे इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड मार्केट एक मार्केट हो गया जहां पे ट्रांजैक्शन फ्यूचर ऑन में होते हैं, लेटर ऑन फ्यूचर डेट में होते हैं, एक स्पेसिफाइड डेट होता है, लेकिन प्राइस जो होता है वो अभी का होता है, डेट बाद की होती है, सिंपल। तो ये आपके हो गए फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट। तो आइए अब फंक्शंस जान लेते हैं। फंक्शंस भी कोई कम नहीं है, इसके 3 फंक्शंस हैं, ट्रांसफर फंक्शन, हेजिंग फंक्शन एंड क्रेडिट फंक्शन। ये तीनों मैं आपको बता दूं बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानना है, क्योंकि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ रहे हैं तो आपको टाइप्स या फंक्शंस में कुछ भी आ सकता है। अगर आप 12 मार्क्स 16 मार्क्स 20 मार्क्स से क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो आप सब लिखिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आइए ट्रांसफर फंक्शन जान लेते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के शब्दों में कि फंक्शन ऑफ परचेजिंग पावर, मीन्स ट्रांसफर ऑफ
परचेजिंग पावर एक्चुअली सॉरी, तो जो ट्रांसफर क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर कंट्री। अगर मान लीजिए अमेरिका ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया या फिर INR खरीदे इंडियन रुपीज, तो उससे क्या हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो जो परचेजिंग पावर था अमेरिका का उतने वैल्यू का वो इंडिया में एड ऑन हो गया और अब परचेजिंग पावर इंडिया का उतने ही वैल्यू से बढ़ चुका है। तो ये होता है ट्रांसफर फंक्शन। आपके डेफिनेशन में आपको दिखा दूंगा, ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली सेज ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर कंट्री। ये हुआ ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग जैसे अभी मैंने आपको वर्ड बताया, हेज मतलब अपना रिस्क से बचना है, इन्वेस्टमेंट्स मेड टू बियर रिस्क और बी सेफ फ्रॉम लॉसेज, तो हेजिंग फंक्शन यही होता है। तो मैं आपको हेजिंग फंक्शन प्रॉपरली एक्चुअली समझा देता हूं। तो हेजिंग फंक्शन यही कहता है कि आप दो तरीके से अपने पैसे बचा रहे हैं। यहां पे अगर आपने यूएस डॉलर्स में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की है, चलिए इसको यूएस मान लीजिए, में इन्वेस्टमेंट किया, एक्चुअली यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए एप्पल के शेयर्स खरीदे, एग्जांपल एप्पल के शेयर्स आपने खरीदे हैं $100 के, ठीक है, आपने खरीदे थे इसको ₹70 जब INR का रेट चल रहा था तब, अब मान लीजिए प्राइस राइज हो जाता है ₹75 पे, तो दो चीज हो रहा है यहां पे, ₹75 से ₹5 से जैसे इंक्रीज किया आपका वैल्यू $100 का $100 ही है, अभी एप्पल के शेयर्स का प्राइस इंक्रीज नहीं किया, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपका ये वैल्यू इंक्रीज कर गया यूएस डॉलर्स का, तो इसके वजह से ऑटोमेटिकली आपका ₹5 से इंक्रीज हो गया आपका जो इन्वेस्टमेंट था, तो ये आपको बेनिफिट कर रहा है। और दूसरा केस अगर मान लीजिए कि $100 ही आप इन्वेस्ट किए हैं एप्पल में अभी भी, लेकिन 70 के बदले रेट ₹65 हो गया, ₹65, तो अब आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है कि यहां पर अगर मान लीजिए आपके शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो आप ये रिस्क कवर कर गए, तो आपको कोई खतरा नहीं रहा कि मेरा वैल्यू अगर डेप्रिशिएट भी कर जाता है तो कोई नहीं, मेरा ये एसेट हमको काम दे देगा। तो ये डबल एस्पेक्ट में आपको हेजिंग फंक्शन काम कर रहा है, आपको दो तरह से आपके लॉसेस को बचा रहा है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दे रहा है। तो तीसरा जो मैं आपको बता दूं वो है क्रेडिट फंक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बताऊंगा उसके बाद मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। तो क्रेडिट फंक्शन जो है, सॉरी मैं अपने बाल सही कर लेता हूं थोड़े से, तो क्रेडिट फंक्शन जो है इसका मतलब है क्रेडिट, जैसा वर्ड आपको क्रेडिट पता चल रहा है उधार, तो क्रेडिट फंक्शन इसका कहता क्या है, क्रेडिट फंक्शन यही कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्रेडिट फंक्शन भी है जो कि इसको उधार में देने का काम करता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को उधार में देता है। तो कैसे देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस एंड मीडियम्स जो कि 3 महीने तक का उसका मैच्योरिटी पीरियड भी रहता है, आराम से एक कंट्री दूसरे कंट्री को 3 महीने तक के पीरियड ऑफ टाइम में पे ऑफ कर सकता है। तो ये हो जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रेडिट फंक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया है सारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस। अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर पाऊं दोबारा से, और कोई नया टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो आप जरूर पूछें, मैं वो कवर करूंगा और जल्द से जल्द उस पर नई वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से अपने चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। सो लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक स्टडी प्रैक्टिकली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियोस हैं ये केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होने वाले हैं, मैं डिफरेंट सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग और अलग अलग तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस भी सिखाऊंगा, जिससे कि आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस होने का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, वो आप एक स्किल सेट अपने अंदर हमेशा के लिए डेवलप कर लेंगे। तो आइए फिर जल्दी से मैं आपको वो साइट और मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों साइट जो मैंने आपको बताई थी। तो ये एक बिजनेस जार्गन्स की साइट है, आप इसे देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, और प्लस ये yourarticlelibrary.com की थ्योरेटिकल वेबसाइट है जहाँ से आप जो मैंने पढ़ाया है आप यहाँ पे थ्योरी जान सकते हैं। ये मैंने जो अभी पढ़ाया आपको ये इससे मैंने नहीं लिया है, लेकिन अब तब भी यहाँ का लगभग सेम कंटेंट ही होता है, तो आप इसको ले सकते हैं क्योंकि मतलब सेम ही बैठेगा। स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट जो मैंने आपको बताया था, टाइप्स ये रहे, तो ये आपके लिए डेफिनेशन और मीनिंग और टाइप्स बहुत फंक्शन सारे आ जाते हैं, और आप एक बार businessjargons.com की भी साइट को देख सकते हैं थोड़े से और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो सही में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पे, और अगर आपको कोई दिक्कत हो कोई टॉपिक पे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाते रहिए और सीखते रहिए।
और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।